नमस्कार। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजस्थान मॉनसून 2024 को लेकर। बड़ी खबर है क्योंकि भीषण गर्मी से तप रहे राजस्थान के लोगों को राहत की खबर मिलेगी और राजस्थान के लोगों को बेसब्री से इंतजार है कब तक राजस्थान में बारिश होगी, मॉनसून कब आएगा। हालांकि एक मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में मॉनसून आगामी 20 जून के मध्य राजस्थान में एंटर कर सकता है। इससे पहले एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव होगा जिस वजह से राजस्थान में आंधियों का दौर सीजन होगा। अलग अलग एरियों पर दोपहर के समय मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां, बिजली गिरने जैसी गतिविधियां, आंधियों का सीजन, तेज धूल भरे आंधी चलने की भी संभावना है। यानी 20 जून तक ऐसी गतिविधियां बीच बीच में होती रहेगी। कभी तापमान से राहत तो कभी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे पूर्व पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के उत्तर जिलों में 1 से 3 जून के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। अलग अलग जिलों पर हल्के मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां 20 से 25 किलोमीटर दायरे में रहेगी और अचानक मौसम परिवर्तन होने के कारण मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां, तेज धूल भरी आंधियां चलने की संभावना है। लेकिन असली राहत मॉनसून आने के बाद ही मिल पाएगी। इस बार राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही और गर्मी ने दर्जनों लोगों की जान ले ली। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून की देश में फिलहाल एंट्री हो चुकी। 30 मई को केरल में मॉनसून ने दस्तक दिया। मॉनसून केरल और आसपास के इलाकों पर पहुंच चुका है। अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा। उसके बाद 20 से 21 जून तक राजस्थान में पहुंचने की उम्मीद है। प्रदेश में मॉनसून दक्षिण पश्चिमी पूर्वी राजस्थान में प्रवेश करता। इसी के साथ कभी यानी बांसवाड़ा जिले से, कभी झालावाड़ जिले से प्रवेश करता। इस बार बढ़ता हुआ पूरे प्रदेश में छाएगा क्योंकि राजस्थान में यूं तो मॉनसून की एंट्री 25 जून के आसपास संभावित रहती, लेकिन इस बार सप्ताह भर पहले पहुंचने की संभावना है। और इस बार राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी। नॉर्थ पास से राजस्थान को भट्टी की तरह तपने लग गया। पश्चिमी राजस्थान के फलोदी और चूरू यहाँ तापमान अधिकतम 50 डिग्री को भी पार कर गया। कई रिकॉर्ड टूटे सालों के। वहीं भीषण गर्मी में दर्जने लोग जान गंवा चुके हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, पिलियानमी में तापमापी पारे ने जमकर उछाल मारा। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी ने हाहाकार मचा दिया। इस बार गर्मी ने कई पुराने इतिहास और रिकॉर्ड तोड़ दिए और हीट स्ट्रोक के कारण दर्जने लोग जान गंवा चुके। और करौली, श्रीगंगानगर में पारा यहाँ पर भी 47 से 48 डिग्री ऊपर रहा। हीट वेव के कारण लोगों को काफ़ी कमियां और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों को सामना करना पड़ा। लेकिन अब राजस्थान के अधिकतर लोगों को बारिश का इंतजार है। मॉनसून कब आएगा, आगे भी आपको मॉनसून के बारे में एक अपडेट देंगे, किस जिलों में अच्छी बारिश होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।